एज ए ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो हमें इस चीज़ की घर में सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये है, तो आप ये देखिए, ये है डोर बॉटम सील। ये डबल लेयर है इसकी, ये आप देखिए, इस पर डबल लेयर स्ट्रिप सील है ये। इसको हम डोर में फ्लोर से थोड़ा सा बीच में गैप रह जाता है, तो उसको ये कवर करती है, जिससे डस्ट नहीं आती है। और हम एसी रूम में भी इसको आराम से लगा सकते हैं गेट के नीचे। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो आप देखिए, ये है 36 इंच की है ये। और ये मैंने ऑफलाइन ली थी, ऑनलाइन भी ये मिलती है, ऑनलाइन भी ये काफ़ी अच्छी रेट में मिलती है। तो इस पर लिखा हुआ है, ओनली 99, बट ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिली, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए 36 साइज है इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आप, ये मैंने लिए थे, कम से कम मैंने ये 7 लिए थे, तो अब ये एक्स्ट्रा मेरे पास बच गए हैं, ये देखिए। तो हम इसको जो सिंगल डोर होता है उसमें भी, और जो डबल डोर होते हैं उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको लगाते हैं, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँ। सो फ्रेंड्स, चलिए अब इसको आप लगाने देख लीजिए, इसको किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें वो डोर सील इस तरह से लगानी है, इसको पहले कट नहीं करना है, पहले इसको सीधा लगाना है। उसके बाद, लगने के बाद फिर हम इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे कि, तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे डबल डोर हैं, सिंगल डोर मैं सिंगल और डबल डोर दोनों में आपको दिखाऊँगी। तो अभी ये डबल डोर वाला है, तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ जिसकी ज़्यादा गैप होता है फ्लोर से गेट में, तो वो बहुत जल्दी से फटाफट लग जाती है। पर मेरे इसमें क्या है, गेट में फ्लोर से ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था उसको लगाना। बाकी वैसे ये बहुत, जिसके कभी कभी क्या होता है, किसी गेट की फ्लोर से मतलब गैप ज़्यादा होता है, तो उसमें बहुत आसानी से ये लग जाएगा। तो ये देखिए आप, इस तरह से लग गया है, और अब हम इसको कट करेंगे। तो पहले इसको लगाना है, उसके बाद कट करना है। आप किसी नाइफ़ या किसी की हेल्प से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये छोटे वाला नाइफ़ है, इससे मैं यहाँ पर कट कर देंगे हम इसको। तो देखिए, बिल्कुल इसके एक एक, मतलब ऐसे देखना है कि एक्स्ट्रा ना हो जाए, जैसे पीछे वाला वो है, तो वहाँ पीछे जाकर उसको बराबर से साइज़ के हिसाब से उसको कट करना है, तभी ये एकदम गेट पर सही लगेगा। वरना थोड़ा सा भी गैप रह गया तो फिर मतलब क्या निकला। अब पर ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना फ्रेंड, इससे एक भी कीड़े कुछ भी अंदर नहीं आ सकते, यहाँ तक कि मच्छर भी और डस्ट वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आता है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक दो एक्स्ट्रा और ले लिए, रखे हुए हैं, कभी ख़राब हो गया तो हम फटाफट उसको लगा सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ बहुत ही काम की चीज़ है, मुझे इस चीज़ की काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बट क्या हो रहा था कि ये ऑनलाइन मैंने देखी, तो ऑनलाइन में क्या है, इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही थी मुझको। तो मैं नेशनल हैंडलूम गई, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल गया फिर दिवाली के ऑफ़र में। सो बस देखिए, आपको इस तरह से इसको कट करना है। तो ये कट हो गया है, अब ये एक और गेट में आप देखिए, यहाँ पर इसमें बहुत जल्दी लग जाएगी, क्योंकि इस गेट में थोड़ा सा गैप ज़्यादा था फ्लोर से। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत फटाफट लग रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ज़रूर, और मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि गेट में क्या है, थोड़ा बहुत गैप रह जाता है, तो ये मतलब और सील बहुत ज़्यादा अच्छी है, डोर सील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग ज़रूर इसे लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरी लग गई है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और ये इसकी काफ़ी वैरायटी आती है, एक दो टाइप की और आती है, बट मुझे तो अभी ये यही वाली देखी, तो मैंने ये ले ली, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आप देखिए,
आप लोग ज़रूर ज़रूर इसको मंगाइए अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो। पहले क्या हुआ था, पहले मैं लेने गई तो मुझे ऐसा लगा कम लेकर आऊँगी, क्या पता कैसी होगी क्वालिटी, कैसी होगी। पैसे क्वालिटी भी अच्छी है ठीक है, ख़राब हो जाएगा तो दूसरा लेके आ जाओ। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी अच्छी है। इसकी कॉस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 30 और 35 के करीब मैं ये इसको लेकर आई थी, इतने का ही मिल रहा था ये। तो अब ये देखिए, ये पूरा सिंगल डोर है और वो नहीं है, हाँ ये भी डबल डोर में ही अभी लग रहा है। तो देखिए अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, वहाँ से पूरा लग गया है, अब इसका इसमें भी तैयार हो गया है मेरा ये डबल डोर पूरा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, नहीं तो पहले क्या है डर लगा रहता था कुछ आना जाए गेट के नीचे से। तो ये बहुत अच्छे, और इसको वॉशरूम के गेट में, डोर विंडो, किचन, बेडरूम, किसी के भी गेट में इसको आराम से लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे भी आसानी से फिट हो जाएगा। बस आप लोग देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत ही काम की चीज़ आज मैंने आप लोगों के लिए ये बताई है। बस इसको कट करना भी बहुत आसान है देखिए आप। बस ये मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस और ये मैं अभी दिवाली के टाइम गई थी जब लेकर आई मैं, और ये मैंने ऑनलाइन भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा देखे थे, पर ऑनलाइन में क्या था कि थोड़ा सा क्या है 150 130 वो मैं वहीं से मंगाती, पर अब मुझे ये कम प्राइस में मिल गया था, मैंने कम में ही मंगा लिया। तो आप देखिए ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम चेक कर रहे हैं लगाकर, तो देखिए ये पूरा लग गया है, बिल्कुल भी इसमें स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। ये आगे से देख लीजिए आप गेट, तो पूरा मेरा गेट तैयार हो गया है। और ये देखिए अब ये शायद सिंगल डोर है, हाँ ये सिंगल डोर है, तो ये सिंगल डोर में भी इस तरह से लगाया है, बहुत ही अच्छा है। बस ये बाकी के मेरे ये बचे हुए रखे हैं यहाँ पर, अभी ये मेरे बाद में काम में आ जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसको ज़रूरत है तो ज़रूर इसको मंगाइए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे एक्चुअली क्या होता है कि हमारे गेट के नीचे जितने भी स्पेस रह जाता है, फ्लोर से गेट के बीच में जितना भी स्पेस रह जाता है, उसमें क्या होता है डस्ट भी आती है, छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह या मॉस्किटो कुछ भी उसमें अंदर आ सकता है, जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये उसकी ये है, ये सेफ्टी इससे काफ़ी ज़्यादा रहती है। और हम इसको एसी रूम में भी लगा सकते हैं, गेट में जिस रूम में जहाँ भी एसी लगी हुई है, तो वहाँ गेट के नीचे से क्या है बिल्कुल एकदम पैक करना पड़ता है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और हम इसको मतलब डोर विंडो वॉशरूम किचन किसी के भी गेट के नीचे है इसको आसानी से लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैंने इसे जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने ये ऑफलाइन ली थी, तो ऑफलाइन में मुझे ये सिर्फ 30 और 35 का भी, एक बार गई थी लेने के लिए जब मुझे 30 की मिली और सेकेंड टाइम गई तो 35 की मिली, तो बहुत ज़्यादा कम रेंज में मिली ऑफलाइन। बाकी ये ऑनलाइन में 130 120 150 इसके करीब मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बस आप लोग जरूर इसे मंगाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी काम की चीज़ है। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।